नमस्कार, एवं तेज देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयति मिश्रा। खबरों की शुरुआत करेंगे स्पीड न्यूज के साथ। भारतीय आईटी एक्सपर्ट्स नहीं जा पाएंगे अमेरिका, ट्रंप ने H-1B वीजा जारी करने पर लगाई रोक, तो गूगल के सीईओ ने जताई आपत्ति। हज यात्रा को लेकर सऊदी अरब का बड़ा फैसला, 2020 में हज यात्रा करने वाले विदेशी मुस्लिमों पर रोक, स्थानीय लोग और देश में रह रहे विदेशी लोगों को ही इजाजत। कोरोना काल में अमरीकी सरकार का बड़ा फैसला, एयर इंडिया की फ्लाइट पर लगाई रोक, अमेरिकी विमानन कंपनी को इजाजत नहीं देने से नाराज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 3 दिवसीय रूस दौरा, बुधवार को 75वीं विक्ट्री डे परेड समारोह में करेंगे शिरकत, रूस के रक्षा मंत्री सहित अन्य नेताओं के साथ बैठक में अहम फैसले लेने की संभावना। पुलवामा में पाकिस्तान की नापाक हरकत, एक बार फिर से संघर्ष विराम का उल्लंघन, नौशहरा और पुंछ में LOC पर भारी गोलाबारी, गोलाबारी में सेना का एक जवान शहीद, एक घायल। चीन से तनाव को लेकर दिल्ली में टॉप आर्मी कमांडर्स के साथ सुरक्षा स्थिति पर चर्चा, नॉर्दर्न और वेस्टर्न फ्रंट पर ऑपरेशन सिचुएशन को लेकर चर्चा, मीटिंग के बाद सेना प्रमुख मनोज नरवणे लेह दौरे पर। दुनिया भर में कोरोना का कोहराम जारी, संक्रमितों की संख्या 91 लाख के पार, तो 4,74,000 से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान। भारत में भी कोरोना का कोहराम जारी, मरीजों की संख्या 4,40,000 के पार, मृतकों का आंकड़ा भी 14,000 के पार, तो 2.5 लाख से ज्यादा मरीज हुए स्वस्थ। कोरोना वायरस की दवाई पर पतंजलि का दावा, योग गुरु रामदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया ऐलान, 7 दिनों में पतंजलि स्टोर पर मिलेगी दवाई। बाबा रामदेव ने बताया दवा बनाने के लिए गिलोय अश्वगंधा तुलसी रस का हुआ इस्तेमाल, कोरोना की पहली आयुर्वेदिक दवा तैयार, 280 लोगों पर किया गया प्रयोग। दिल्ली में कांग्रेस CWC की बैठक, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हुई बैठक, 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को दी श्रद्धांजलि, देश की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों, चीन विवाद, महंगाई और कोरोना को लेकर चर्चा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए शामिल। सत्रहवें दिन भी पेट्रोल और डीजल के दामों में तेजी, डीजल के भावों ने बढ़ाया नया रिकॉर्ड, डीजल के दाम में 54 पैसे लीटर की तेजी, तो पेट्रोल में 20 पैसे लीटर की बढ़ोतरी। सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद में निकली भगवान जगन्नाथ की ऐतिहासिक रथ यात्रा, पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। भगवान जगन्नाथ यात्रा से पहले अदा की छेड़ा परंपरा की रस्म, पुरी के राजा गजपति महाराज ने सोने के झाड़ू से की सफाई। भगवान जगन्नाथपुरी बीच पर सुदर्शन पटनायक की कलाकारी, मिट्टी में उकेरा भगवान जगन्नाथपुरी का स्वरूप, कोरोना महामारी को खत्म करने की प्रार्थना। भगवान जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा में शामिल होने वाले लोगों का हुआ कोरोना टेस्ट, मंदिर का सेवायत निकला कोरोना संक्रमित, सेवायत को अस्पताल में कराया भर्ती। अहमदाबाद में भी निकाली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने सोने के झाड़ू से की सफाई, सोशल डिस्टेंसिंग का भी रखा गया ख्याल। जगन्नाथपुरी रथयात्रा को लेकर सीएम अशोक गहलोत का ट्वीट, जगन्नाथपुरी रथयात्रा की दी शुभकामनाएं, कहा भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा के पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं, जगन्नाथ जी से सभी के अच्छे स्वास्थ्य, सुख शांति और उन्नति और खुशहाली की प्रार्थना। ताहिर हुसैन के 6 ठिकानों पर ईडी ने की छापेमारी, दिल्ली दंगों का मुख्य आरोपी है ताहिर हुसैन, आम आदमी पार्टी से रह चुका है पार्षद। जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि, लखनऊ में आयोजित हुई पुष्पांजलि सभा, सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी श्रद्धांजलि, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के संघर्षों को किया याद। यूपी के कानपुर में बालिका संरक्षण गृह का मामला गरमाया, बसपा सुप्रीमो मायावती ने किया ट्वीट, उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच की मांग की। यूपी के मिर्जापुर शहर में कोतवाली में पीस कमेटी की बैठक, जगन्नाथ यात्रा और कांवड़ यात्रा नहीं निकालने का लिया फैसला, घर में ही पूजा करने की अपील।
मिर्जापुर में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। रेप केस में आरोपी था मृतक अनिल। आत्महत्या से पहले वायरल हुआ था वीडियो। रेप में केस में फंसाने वालों पर की कार्रवाई की मांग। यूपी के मऊ जिले में बदमाशों के हौसले बुलंद। पिता पुत्र को मारी गोली। पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल। बदमाश लाखों की नकदी लैपटॉप लेकर हुए फरार। मुस्कुरा गांव की है घटना। शाहजहांपुर में दो पक्षों में चले लाठी डंडे। किराए के मकान को लेकर हुआ विवाद। मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। आरसी मिशन क्षेत्र का है मामला। यूपी के रामपुर में जिला प्रशासन की कार्रवाई। नगरपालिका की ओर से बनवाई गई 6 दुकानों पर की कार्रवाई। जेसीबी की सहायता से किया ध्वस्त। यूपी के शाहजहांपुर में युवती से छेड़खानी करना पड़ा भारी। युवती ने चप्पल से की मनचले की पिटाई। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। संजय गांधी की पुण्यतिथि। पीसीसी दफ्तर पर पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन। पीसीसी अध्यक्ष सचिन पायलट ने की पुष्प अर्पित, उन्हें श्रद्धांजलि दी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि। भाजपा मुख्यालय में हुआ पुष्पांजलि कार्यक्रम। भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने चित्र पर पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि मुखर्जी को। राजस्थान में कोरोना का बढ़ता ग्राफ। 199 नए कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने आए। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव की संख्या हुई 15,431। कोरोना से अब तक 356 लोगों की हुई मौत। जिला प्रभारी मंत्री रमेश मीणा का बारा दौरा। जागरूकता अभियान कार्यक्रम में की शिरकत। कोरोना से सुरक्षित रहने की अपील। हनुमानगढ़ में कोरोना से बचाव के लिए जागरूकता अभियान। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने रैली को दिखाई हरी झंडी। पोस्टर सामग्री का भी किया विमोचन। चौक नगर परिषद की ओर से जागरूकता अभियान। कोरोना के बचाव और रोकथाम को लेकर दी जा रही है जानकारी। अभियान में पिकासो सोशल एजुकेशन सोसाइटी का भी रहा सहयोग। कुचामन सिटी में 11 कोरोना संक्रमित मरीजों की रिपोर्ट आई नेगेटिव। सभी को हॉस्पिटल से किया गया डिस्चार्ज। हॉस्पिटल प्रशासन ने ली राहत की सांस। चौक के देवली में कोरोना को लेकर राहत की खबर। 223 सैंपल की रिपोर्ट आई नेगेटिव। प्रशासन चिकित्सा विभाग ने ली राहत की सांस। लालसोट में पूर्व पालिका चेयरमैन की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव। चेयरमैन को अस्पताल में कराया गया भर्ती। चिकित्सा विभाग ने संक्रमित के परिजनों के लिए सैंपल। कोटा जिले में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के ग्राफ को। 2 कोरोना संक्रमित मिलने से दहशत। कोटड़ी और बजरंग नगर से सामने आए पॉजिटिव। 1 ही कोरोना संक्रमित पॉजिटिव मरीज की हुई मौत। झलावाड़ के सारोला स्थित महुआखेड़ा गांव में कोरोना की दस्तक। प्रशासन ने गांव में कर्फ्यू लगाकर सीमाएं की सील। युवती की ट्रैवल हिस्ट्री के आधार पर जांच शुरू। भरतपुर में कोरोना जागरूकता अभियान के तहत फैक्ट्रियों में प्रचार सामग्री का वितरण। पेस्टिंग के द्वारा दिलाई गई शपथ। कोरोना से सुरक्षा के लिए गाइडलाइंस पालना की अपील की। उदयपुर के सेवारी में कोरोना वॉरियर्स का सम्मान। एनसीसी कैडेट्स और पुलिस मित्रों का किया गया सम्मान। अलवर की बानसूर नगर पालिका में गांव को जोड़ने का मामला नेताओं से शुरू हुआ। आरोप प्रत्यारोप। विधायक शकुंतला रावत ने पूर्व एमएलए पर किया पलटवार। कहा बानसूर की जनता के साथ कोई धोखा या जातिवाद नहीं किया गया। अजमेर में ऑटो एजेंसी में गबन का मामला। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी पर 15 लाख रुपए के गबन का आरोप। छिपाबड़ौत के मियांजा गांव में सड़क हादसा। हादसे में एक युवक की मौत, एक घायल। राजसमंद के कुवारिया में थाने के रास्ते को लेकर विवाद। नवनिर्मित भवन के निर्माण के बाद रास्ते को लेकर पुलिस और राजस्व विभाग के बीच खींचतान। एसडीएम ने दोनों पक्षों में समझाइश कर मामले का करवाया निपटारा। सुमेरपुर में बैंक खातों से रुपए निकालने का मामला सामने आया। 3 खाताधारकों ने दर्ज कराया मामला। अज्ञात व्यक्ति ने निकाले लाखों रुपए। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। जयपुर में साधु ने 2 बालकों के साथ किया अनैतिक कार्य। साधु करतारनाथ को किया पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तार। साधु का बालकों के घर पर था आना जाना। अलवर में तिजारा पुलिस की कार्रवाई। 2 हथियार तस्करों को किया गिरफ्तार। 2 देशी कट्टे, 1 पिस्टल और जिंदा कारतूस भी किया बरामद। जयपुर में श्यामनगर थाना पुलिस की कार्रवाई। ऑनलाइन ठगी करने वाले शातिर ठग को किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी सोनू पंडित को दिल्ली से किया गिरफ्तार। आरोपी ने की थी 73,000 रुपए की ठगी। बारा के शाहबाद में 2.5 लाख रुपए की चोरी का खुलासा। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 2 बाल अपचारी निरुद्ध किए गए। रावतसर पुलिस की अवैध शराब को लेकर कार्रवाई। भारी मात्रा में देशी शराब और पिकअप जब्त। 1 आरोपी को किया गिरफ्तार। 1 फरार।
दौसा के लालसोट में विवाहिता ने की आत्महत्या। गांव संवासा में फांसी लगाकर दी जान। खुदकुशी के कारणों का नहीं हुआ खुलासा। मामले की जांच में जुटी पुलिस। धौलपुर में बदमाशों का दुस्साहस। दो दुकानों को बनाया निशाना। लाखों के माल पर किया हाथ साफ। पुलिस जुटी बदमाशों की तलाश में। अजमेर नगर निगम कार्यालय में लगी आग। कमरा नंबर 114 में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। कई दस्तावेज जलकर हुई खाक। अजमेर में आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन। 7 सूत्रीय मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। बच्चों की फीस माफी को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। चौहटन में चोरों ने किराने की दुकान को बनाया निशाना। नकदी और अन्य सामान किया पार। वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। जयपुर के दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन पर सांप दिखने से हड़कंप। रेल कर्मचारियों ने पकड़ा सांप। जंगल में छोड़ा गया सांप। बंद हो सकती है कोटा थर्मल की 4 यूनिट। इस क्षेत्र से सरकार खरीद रही है बिजली। थर्मल की 4 यूनिट पिछले 18 दिन से है बंद। नसीराबाद में विद्युत विभाग की लापरवाही। जर्जर अवस्था में शिकायत कक्ष की छत। कक्ष के बाहर बैठकर कार्य कर रहे कर्मचारी। कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। भारतीय सेना पर हमले को लेकर देशभर में आक्रोश। भारत पाकिस्तान सीमा से सटे गांव के लोगों ने कहा चीन को सबक सिखाने का समय। गलवान घाटी में शहीद हुए भारतीय जवानों पर देश को गर्व। चीन के खिलाफ देशभर में आक्रोश व्याप्त। जयपुर के बगरू में चीन के खिलाफ नारेबाजी। शहीदों की शहादत को किया सलाम। रेवाड़ी में भाजपा मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में शहीदों को दी श्रद्धांजलि। चीनी सम्मान के बहिष्कार का किया आह्वान। शहीदों की शहादत को किया याद। नागौर के मुंडवा में पेट्रोल पंप संचालकों सरपंच और पुलिस मित्रों की बैठक। वृत्ताधिकारी ने सुनी लोगों की समस्याएं। पेट्रोल पंप पर सीसीटीवी लगाने के भी दिए निर्देश। आसोप में मनरेगा कार्यों का निरीक्षण। कनिष्ठ सहायक हरिराम भाकर ने किया निरीक्षण। कोरोना से बचाव की अपील। नागौर के नावा नगर पालिका अध्यक्ष ने कार्यालय का किया निरीक्षण। सभी कर्मचारी पाए गए अनुपस्थित। केवल एक ही चौकीदार पाया गया उपस्थित। करौली के टोडाभी में श्रमिकों ने पंचायत प्रशासन के खिलाफ किया प्रदर्शन। कर्मचारियों पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आरोप। मनरेगा कार्य को बंद करने की दी धमकी। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV न्यूज। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।